डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री में पार्ट 8 लाने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। और हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के अलावा इससे पहले एंशियंट की 2 वीडियोस और मेडिवल की भी 2 वीडियोस आ चुकी थी। यह जितनी भी वीडियोस हैं ये सारी मॉडर्न इंडिया की वीडियोस हैं, ठीक है। देखिए, मॉडर्न इंडिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है। और जितने भी इसके क्वेश्चन, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट हो या फिर आप जितने भी, जैसे इसमें जो जो क्वेश्चन ऐड किए गए, जो जितने तरीके के दंगों के बारे में, 1857 की जो क्रांति है उसके पहले के जितने भी दंगे हुए थे या जितने भी कह सकते हैं जितने भी विरोध हुए थे, उन सभी चीज़ों से लेके इसके साथ साथ कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से पुराने टाइम से, लेकिन देखिए 2 भाग में अगर हम इसको बांटेंगे तो 1857 के पहले और बाद दोनों तरफ की जो भी हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक हैं जो हमारे वीडियो, जो हमें अपने पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियोस को स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ आपको इसका जितना भी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पिट्स एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जाना जाता था। इसने दोहरी सरकार की प्रणाली की स्थापना करी। इसके साथ इस ब्रिटिश सरकार को भारत में सब कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया था। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन सी सही है, जो दूसरा और तीसरा है वो ऑप्शन सही है, ठीक है। 1773 के विनिमय जो अधिनियम थे उनको, दोषों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने पहले 1781 में इस प्रकार का इसको अधिनियम पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जाना जाता था। तो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको नहीं, 1781 का जो संशोधन अधिनियम एक्ट है उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था, जो इसका अगला था, जो था पिट्स एक्ट इंडिया 1784। इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? इसमें कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति दी थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था। इस प्रकार इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली की स्थापना की थी। इसने नागरिक और सैन्य के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन यहाँ या भारत में ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड को भी सशक्त बनाया था। इस प्रकार से देखिए, यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के क्षेत्र में पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकृत कहे जाने वाले क्षेत्र थे, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दक्कन दंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दंगों का उद्देश्य साहूकार की खाता बही को नष्ट करना था। दूसरा, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि यदि किसान ऋण को भुगतान करने में असमर्थ है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इस आंदोलन को पूना सार्वजनिक सभा से समर्थन प्राप्त हुआ था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 ये सही है, ठीक है। मई और जून 1875 में पुणे और अहमदनगर के जिलों के कुछ हिस्सों में किसानों ने बढ़ते कृषि संकट के खिलाफ विद्रोह किया था। 1875 के दंगों का मुख्य उद्देश्य साहूकार की खाता बही नष्ट करना था, ठीक है। और दंगाइयों का विशिष्ट उद्देश्य साहूकार के कब्जे में बॉन्ड, डिक्री और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करके उन्हें नष्ट करना था। इस आंदोलन को MG रनांडे द्वारा गठित जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसे समर्थन प्राप्त था, तो इसमें ठीक है। और इसके साथ पुलिस को ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था बहाल करने में कई महीने लगे थे, और बॉम्बे सरकार ने शुरू से में इस विद्रोह को नकार दिया था। फिर देखते हैं हम, इसके बाद हमने यह देखा कि दंगा आयोग के एक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इल्बर्ट बिल विवाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में महान विभाजक माना जाता है, क्योंकि पहला है भारत और यूरोपीय के बीच में नस्लीय भेदभाव, दूसरा सरकार और स्थानीय भाषा के सरकारी पत्रों का दमन और उनका राष्ट्रीयकरण, तीसरा विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा चूक। इसमें से कौन सा कथन सही है?
ये हम देखेंगे, तो इसमें जो पहला कथन है ना वो सही है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि इल्बर्ट विल विवाद था क्या। देखिए, इल्बर्ट विल विवाद लॉर्ड रिपन ने के द्वारा लाया गया था। वह भारत में दो प्रचलित कानून थे, एक था यूरोपियन और दूसरा एक भारतीय लोगों के लिए कानून। तो वह इस कानून, दो कानूनों को समाप्त करना चाहता था। उनके कानून प्रणाली क्या कहती थी जो ब्रिटिशर्स की थी, वह यह थी कि किसी यूरोपीय व्यक्ति की केवल एक यूरोपीय न्यायाधीश या एक यूरोपीय मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुनवाई की जा सकती थी। सीबी एल्बर्ट जो लॉ मेंबर ने 1883 में इस न्यायपालिका में इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था, लेकिन यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक को अत्यधिक विरोध किया था और इसको काफ़ी उनको इसके बारे में काफ़ी बातें भी सुननी पड़ी थी, या कह सकते उनका काफ़ी विरोध किया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए 150,000 रुपये का फंड भी जुटाया था और डिफेंस एसोसिएशन नामक संगठन की भी स्थापना की थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा कार्रवाई करने के बजाय भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करना बेहतर था। ठीक है, इंग्लैंड में यह मुद्दा प्रकाशित हुआ था प्रेस में, और फिर इसलिए रिपन ने भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए इस बिल में संशोधन किया और इस विवाद को समाप्त किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा या से खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे? पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काना। दूसरा, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करना और खिलाफत का संरक्षण करना। तीसरा, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खिलाफत को बचाना। ठीक है, तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पहला और तीसरा यह सही है। इस खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खिलाफत को संरक्षित करना, मुसलमानों के पवित्र स्थान को बचाना था। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जो भावनाएं थी, जो विरोध था उनको, उसको भी प्रकट किया था। हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन, देखिए उस समय क्या था, हुआ ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो तुर्की के प्रति जो तुर्की के जो वहाँ के जो शासक थे उनको खलीफा का दर्जा दिया जाता था, तो उनका जिस प्रकार था उनके प्रति जो अंग्रेजों का रवैया था उससे भारतीय मुसलमान जो थे वह काफ़ी उत्तेजित हो गए थे। वह एक तरीके से न केवल भारतीय मुसलमान बल्कि संपूर्ण मुस्लिम जगत के एक तरीके से धार्मिक प्रमुख थे। ऐसे में मुसलमानों का जो विरोध था वह स्वाभाविक था। ठीक है, तो विश्व युद्ध के बाद हुआ ये था कि तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया में का सपना साथ दिया था। उसके बाद जब युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया था और उसको विभाजित कर दिया और खलीफा का पद हटा दिया गया था। इसकी वजह से वे पूरे विश्व के मुसलमानों में इसके बीच लेकर रोष की लहर दौड़ गई थी। फिर हमने देखा कि इसके भारत में क्या हुआ था कि 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसन मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए एक ब्रिटेन पर एक दबाव डालना था। फिर ठीक है, हुआ उसके बाद ये कि उसी समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तब 1920 के प्रारंभ में हमने यह देखा कि इन दोनों आंदोलन को साथ में मिला दिया गया था और असहयोग आंदोलन और असहयोग और खिलाफत आंदोलन यह एक साथ मिलके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। और इस गांधी जी के साथ इन्होंने काफ़ी पूरे देश का दौरा किया था, सैकड़ों सभाएं संबोधित की थी और इसके साथ साथ कई प्रकार के ऐसे विरोधी कार्य भी किए थे जो सरकार को पसंद नहीं थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नमक अवज्ञा के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने मंजूरी दी। पहली, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान ना करना। दूसरा, जमींदारी क्षेत्रों में नो चौकीदारी का अभियान। तीसरा, मध्य प्रांतों में वन कानून का उल्लंघन करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी 4 मई 1930 को हुई थी जब उन्होंने यह घोषणा की कि वह पश्चिमी तट पर धरसाना सॉल्ट वर्कर्स पर कार्य करेंगे। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और शोलपुर में बड़े पैमाने पर विरोध हुए थे, जहां पर यह प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा तीव्र थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने निम्न की मंजूरी दी थी। पहले कि रैयतवाड़ी में जो राजस्व का भुगतान था उस पर वह ना किया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जमींदारी क्षेत्र में, इसका ऑप्शन सी नहीं सही है, सॉरी एक सेकेंड, इसका ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है,
इसमें तीनों ही जो पॉइंट है वह तीनों ही सही हैं। ना ही इसमें रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान ना करना, ये इसकी मंजूरी दी गई थी। इसके साथ जमींदारी क्षेत्र में नो चौकीदारी कर का अभियान, मध्य प्रांतों में, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि मध्य प्रांतों में कानूनों का उल्लंघन, वन कानूनों का उल्लंघन करना, यह चीज़ें भी उसी समय आई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, कर्नाटक युद्ध 1744-48 ऑस्ट्रेलिया युद्ध के, ऑस्ट्रियाई युद्ध के उत्तराधिकार से संबंधित था, ठीक है। दूसरा, एक्सला चैपल की संधि के तहत मद्रास को फ्रांसीसी में स्थानांतरित किया गया था। तीसरा, वांडीवॉच की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। पहला और तीसरा, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह यूरोपीय उत्तराधिकारी की लड़ाई, ऑस्ट्रियाई युद्ध का जो कारण था उसके बीच में लड़ा गया था, उसी के कारण से यहाँ पे लड़ाया गया था, ठीक है। डुप्ले के तहत फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों को हराया था और मद्रास पे कब्जा कर लिया था। फिर 1748 में एक्सला चैपल की शांति संधि पे हस्ताक्षर किया गया और मद्रास को अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया गया था, और इसके साथ साथ युद्ध बंदियों का भी आदान प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। और फिर हम देखें, जो वांडीवॉच की लड़ाई थी वह फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। तीसरा, कर्नाटक युद्ध था। बंगाल और हैदराबाद में पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद ब्रिटिश राजस्व की यह बहुत बड़ी, इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से राशि एकत्रित की थी, और वांडीवॉच में जब इन्होंने फ्रेंच का सामना किया और जब उनकी हार हुई थी, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तरीके से फ्रांसीसी जो आधिपत्य था भारत में वह समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है। पहला, कर्नाटक युद्ध से। दूसरा, आंग्ल मराठा युद्ध से। तीसरा, बक्सर की लड़ाई से। चौथा, हम देखते हैं प्लासी की लड़ाई के। इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। प्लासी की लड़ाई से हम देखते हैं कि ब्लैक होल त्रासदी का संबंध होता है। कोलकाता के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जैसे फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के समय बनाया गया था, विलियम III के नाम से यह बनाया गया था। यह किला हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर यह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उससे संबंधित है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे उस समय, ठीक है, इस समय एक तरीके से ये कोठरी बनी गई कलकत्ता के ब्लैक होल, मतलब जो शहर था वहाँ पे एक ये काल कोठरी एक जगह थी, एक तरीके से ये किला, जिसमें उस बहुत समय जब उस टाइम पे जब प्लासी के युद्ध के पहले 20 जून 1756 को इस जगह पर सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ के उन पर हमला कर लिया। सिराज कौन? सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों के मध्य जो विवाद चल रहा था उस समय, उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ पर कब्जा कर लिया, और इस किले की कोठरी में उन्होंने कई अंग्रेजों को कैदी बना के कैद कर लिया था, जिससे कई अंग्रेज मारे भी गए थे, और काल कोठरी से जिंदा निकलने वाले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया था। इससे भी हम देखेंगे कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, शासकों के बीच में काफ़ी विवाद हो गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी के युद्ध के संभावित परिणाम निम्नलिखित में से कौन से थे। पहला, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों पर अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया और फलस्वरूप व्यापार से राजस्व के लिए महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त करी। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप ईआईसी को अधिक सैन्य लाभ प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक सहायता शक्तियों को बंगाल से दूर करने में सहायता प्रदान करी। इसमें हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक और दो दोनों ही इसमें सही हैं, ठीक है। प्लासी के युद्ध का सबसे प्रमुख जो कारण वह यह था कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष था, और इसे औपनिवेशिक शक्तियों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध माना गया है। अंग्रेजों ने नवाब का पे अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप व्यापार से जितने भी उनके नुकसान हुए थे, जितने भी पुरानी चीज़ें राज्य हुए थे, वह सभी इससे रियायतें प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने आगे चल के इस राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, और अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों जैसे कि डच और फ्रांसीसी को दक्षिण एशिया से बाहर कर दिया था, और इससे इस प्रकार से हमने देखा वहाँ पर कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ खत्म हुआ था। पहला, प्लासी की लड़ाई। दूसरा, बक्सर की लड़ाई। तीसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। या चौथा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई जो थी वह 1764 में हुई थी। यह इलाहाबाद की संधि के बाद 16 अगस्त 1765 को बंगाल के मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते की शर्तों के आधार पर शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अपने सारे अधिकार दे दिए थे और उसके बाद इस बक्सर के युद्ध की लड़ाई समाप्त हुई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में अगस्त प्रस्ताव के तहत बनाई गई योजना के तहत किया गया था। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है क्या है कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। तीसरा ऑप्शन क्या है, उस समय जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन डी ठीक है, इसमें दूसरा और तीसरा ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा एक ये जो योजना बनाई गई थी जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुख द्वारा नामित किया गया था। संविधान सभा एक आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत एक निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता था जो स्वयं सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे। उस समय जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। तो इसमें हमें पता चलता है कि दूसरा और तीसरा यह ऑप्शन सही है ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। थैंक यू सो मच।